सो हे गाइस, कैसे आप लोग एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। सो गाइस, अभी आप सोच रहे होंगे भाई किसका चैनल ओपन कर लिया। भाई आप सही लोकेशन पे हो, आप राज भाई का चैनल ही देख रहे हो, राज जनरल व्लॉग। मैं उनका दोस्त हूँ, मेरे चैनल का नाम है एनएक्स व्लॉग, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके भाई फॉलो करो मेरे को भी। बाकी अभी अभी हम लोग कहीं जा रहे थे तो मैंने राज भाई को बोला कि चलो मेरे साथ घूमने के लिए, तो अभी हम लोग निकल पड़े रास्ते पे। अभी हम लोग गुमला से आए तो गुमला में बहुत ज़्यादा नॉइज़ था क्योंकि वहाँ दशहरा का प्रोग्राम चल रहा था, तो हमने सोचा कि भाई कहीं अच्छे से लोकेशन में जाके आपको दिखाते हैं, इंट्रो बनाते हैं। बाकी अभी हम आ गए कोयल नदी के पास, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अभी आगे का जो भी इंट्रो होगा वो आपको राज भाई बताएंगे। अभी राज भाई के साथ बात करिए आप लोग। गाइस, अभी हम लोग बहुत ही प्यारा लोकेशन पे खड़े हुए हैं और यह है एनएक्स भाई। कुछ बहुत ज़रूरी काम पड़ गया, उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं आज तोरपा। और गुमला में दोस्तों जान रहे हैं दशहरा का सीज़न है तो वहाँ बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही थी, इसलिए वहाँ इंट्रो शूट नहीं किए हम लोग और आ गए हैं बहुत प्यारा सा लोकेशन में। देखिए कोयल नदी है, जंगलों के बीच में है, देख सकते हैं। और यहाँ न्यू ईयर में बहुत ज़्यादा पिकनिक मनाया जाता है यहाँ। अभी तो पानी भरा हुआ है इसलिए अभी कोई चांस नहीं है पिकनिक उकनिक मनाने का, लेकिन जनवरी के महीने में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है आसपास, ऊपर भी इधर नीचे भी। तो वीडियो में बने रहेगा और हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एनएक्स भाई का चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, जाके देखिएगा, बहुत सुंदर सुंदर वीडियो बनाते हैं। और सपोर्ट कीजिए गाइस इसको भी, ये बहुत के करना है, 1K होने वाला है। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन अभी तक 1K पहुंचा नहीं है, बट होने वाला है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो पक्का 1K होगा। बाकी राज भाई अकेले सपोर्ट कर रहे हैं, अकेले में तो कुछ होता नहीं है, जान रहे हैं आप लोग भी। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए हमारे एनएक्स भाई को। अच्छे अच्छे ब्लॉग्स हमारे चैनल में आते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। हमारा जर्नी आज बाइक से होने वाला है, हीरो स्प्लेंडर का बाइक है ये, एनएक्स बाइक का है, अभी फिलहाल ही में नया नया ख़रीदा है, तो इसी से हम लोग सफ़र करने वाले हैं आज। तो वीडियो में बने रहिए और हमारा जर्नी बहुत ही अच्छा होने वाला है आज का। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कुम्हारी और हमें यहाँ से इस साइड में जाना है, ये वाला रोड में, इधर सीधा पड़ेगा बोल के बोले हम लोगों को, पूछे यहाँ रोड में कभी गए नहीं है तोरपा। ये पूरा मेन चौक है, उस साइड में बाजार लगे। गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं तुरबुल चौक और यहाँ से हमें जाना होगा इस वाले रास्ते पे, यहाँ सीधा निकलेंगे पोकला, पोकला से मेन रोड मिलेगा, वहाँ से जाएंगे तोरपा, सामने होगा इधर से। हम लोग छोड़कर रास्ते पे जा रहे हैं आज, लोग वहाँ मोड़ पे रुके हुए हैं, अभी आएंगे वो और चलते हैं इसमें से आगे। यहाँ साइन बोर्ड लगा है, देख सकते हैं आप, पूरा डायरेक्शन दिया गया है इसमें। दोस्तों अगर आगे सीधा जाएंगे तो यहाँ पोकला रेलवे स्टेशन निकालेगी और राइट साइड में पोकला बाज़ार भी लगता है, उसके बाद में तोरपा है 18 किलोमीटर दूर यहाँ से, तो हमें यहाँ से राइट जाना पड़ेगा भी, वो वाले गाड़ी जा रही है वो वाले रास्ते पे उधर। गाइस हम लोग तोरपा घुस चुके हैं और देख सकते हैं रोड का नज़ारा, अभी फटाफट से अपना काम करवा लेते हैं, उसके बाद में हमें वापस भी जाना है। गाइस हम लोग अपना डेस्टिनेशन पहुँच गए हैं, थोड़ा सा हमें तोरपा में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, ये पीछे दवा दुकान है इसको खोजने में, क्योंकि ये गली के अंदर है, उधर टाउन है देख सकते हैं, लेकिन गूगल हमारे साथ है तो क्या चीज़ का प्रॉब्लम है, गूगल हमें ले के आ गया यहीं, तो फटाफट से उसका काम करवा लेते हैं। तो दोस्तों हमारा काम हो गया यहाँ दवा बीरो का, और मैं भी ले लिया हूँ एलोवेरा का जूस, देख सकते हैं एक डब्बा 1 लीटर 350 रुपये पड़ा। और अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से वापस अपना डिस्ट्रिक्ट गुमला।
गाइस हम लोग खाली पेट निकले हुए थे अपने घर से और अभी टाइम 12 हो रहा है, अभी तक कुछ खाए पिए नहीं है। तो अभी हम लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए, होटल में घुसे हैं पे, हमारा खाना भी लग गया है और ये खाना चालू कर दिया। और दोस्तों हमें अभी अंडा मंगाए हैं, अंडा भी आ गया है। तो गाइस मिलते हैं खाना खाने के बाद। लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो। तो अभी हम लोग खाना वाना खा के निकल गए हैं गुमला के लिए और लगभग हमें 2 से 2.5 घंटा तक लगेगा यहाँ से गुमला पहुँचने के लिए। अभी रुकेंगे नहीं कहीं, सीधा चलते हैं। और यहाँ देख सकते हैं गाइस दशहरे का मेला लगा हुआ है और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। और ये कौन सी जगह है हमें भी नहीं मालूम। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं गुमला और बहुत लंबा सफ़र था लेकिन काफ़ी मज़ा भी आया हमें। और इधर देख सकते हैं यह है पीछे चर्च कैथेड्रल है। और हम लोग का जर्नी बहुत ही तगड़ा था दोस्तों और थैंक गॉड कि हम लोग को मौसम भी साथ दिया। तो गाइस बहुत अच्छी तरह से हम लोग पहुंच गए हैं गुमला वापस। अभी ये एनएक्स भाई जाएंगे अपना घर टोटो और मैं यहाँ जाऊँगा आगे, थोड़ा सा आगे मेरा घर है। होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो ओके गाइस आज का ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइस।